शिव सेवक समिति कानपुर की ओर से बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए कानपुर से अमरनाथ के लिए 300 ई रिक्शा भेजे गए थे और अब एक बार फिर शिव सेवक समिति कानपुर की ओर से बाबा अमरनाथ की यात्रा में यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था करवाई गई है। इसकी जानकारी देते हुए 1 अक्टूबर को शिव सेवक समिति कानपुर द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा अमरनाथ की यात्रा में किए जा रहे सेवा कार्यों को बताया गया, साथ ही प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए अरुण पाठक ने भी इस सेवा कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया। वहीं इन सेवा कार्यों में जिन लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया उनको भी सम्मानित किया गया। आज बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो हम सब करके आए हैं, बाबा अमरनाथ की यात्रा में कानपुर शिव सेवा समिति का एक भंडारा लगा, ई रिक्शा लगे 3.5 किलोमीटर आने जाना फ्री के लिए। जिस तरह से कानपुर का नाम बाबा अमरनाथ ने किया है, ये उनकी कृपा है कि वहाँ शिव सेवा समिति का भंडारा लगा और ई रिक्शा फ्री में चल रहे हैं। उसी को लेकर अमरनाथ बाबा की छड़ी के रूप में उनका प्रसाद, सीधे भगवान का प्रसाद यहाँ बांटा जा रहा है। उसी अवसर पर एक ये बड़ा कार्यक्रम सेवा शिव सेवा समिति कानपुर वालों का हो रहा है। इसी अवसर पर यही कहना चाहेंगे, बाबा अमरनाथ की जय। सभी को निमंत्रित करता हूँ जो सुन रहे हों, सभी बाबा अमरनाथ के भक्त हैं, सभी चलें, हम लोग लेके चलेंगे, व्यवस्था पूरी है, बाबा के दर्शन कराएंगे। तरह था लेकिन आपने हाथी जैसा दे दिया है, वो बात अलग। अरुण पाठक जी का हमारे बीच में भाई अवधेश भैया, और मैं चाहूँगा सिद्धू जी आप स्वागत करें। नहीं नहीं, जो शिव सेवा समिति को दे गई है, तो हमारे बीच में सुशील तिवारी हम सबको संबोधित करें। उसके पहले जिस व्यक्ति ने ये व्यवसाय बनाई है अमरनाथ सेवा समिति की, अभी हमारे बीच में मेयर साहब इसका अपने अच्छा नंबर चाहते हैं। जय भोलेनाथ, जय राव पानी। मैं शिव सेवक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पिछले 18 वर्षों से लगातार बाबा की यात्रा कर रहा हूँ। जो भक्तगण पहलगाम की यात्रा करके जब बाटाल चलते बन जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और ऐसे माइनस टेम्परेचर में से छोड़ने जाते हैं जिस समय आदमी ठंड में बिस्तर से उठ नहीं पाता है। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है मेरे 18 साल के अनुभव में। तो मैं पूरी समिति को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी है। जय भोलेनाथ, जय बाबा। बीच में हम सबके नेता कानपुर किसान, जिनको बाबा बहुत कुछ देने वाला है, हम लोग बाबा से मांग रहे हैं। कंपटीशन भी नहीं, कंपटीशन जहाँ होता है बराबर क्या मांगा जाए, तो बाबा जान रहे जो मैं मांग रहा हूँ। श्री मनोज चौहान जी का स्वागत, हमारे सेजू भैया समिति के प्रधान सचिव, और इनका इनको स्वागत भी करो, इनका स्वागत इनके लिए वो लाओ, पहले वो पहलाओ, पहले पहनाइए आप ये। हाँ हाँ, ये लो, ये जय संजय जी, बहुत अच्छा संजय जी ने आपने काम किया। हम लोगों के नए आते नहीं है, वो तो भक्तों को ही दे देते हैं, लेकिन माल किराना का होता है। कानपुर का इस तरीके के स्कूल से कभी भी आप लोगों की है एक फिल्म जगह है, तो कानपुर का नाम गौरव के रूप में जब वैसे भी गौरव अभी लोग हैं लेकिन गौरव के रूप में जाने जाएंगे। और दुर्गेश तिवारी जी उपाध्यक्ष, दीपक गौर जी महामंत्री, राम अवतार जी कोषाध्यक्ष। एक सूचना व्यवस्था, वहाँ माँ जाए दर्शन करने, बच्चों को रखेंगे हम सब सेवा समिति चाइल्ड केयर के नाम से। धार्मिक तीर्थ स्थल वहां तक शिव सेवा समिति पहुँचेगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.